हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2। 3.1 हम कर चुके हैं, 3.2 के लिए देखो। पहले मैं 3.2 के लिए कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। क्या है फॉर्मूले जिनका हम यूज़ करेंगे? पहले भी आपने पढ़ रखा है कोसेक एक्स इज इक्वल टू, कोसेक एक्स किसका अपोजिट होता है? 1/sin x। 1/sin x होता है ना हमारे पास, कोसेक क्या होता है? साइन एक्स का रेसिप्रोकल। सेक एक्स किसका होता है? 1/cos x का आ जाएगा। और अगर साइन एक्स पूछ लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/cosec हो जाएगा यहाँ से, और कोस हो जाएगा 1/sec। फिर है कोट एक्स होता है 1/tan x, और cos x/sin x दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टेन एक्स होता है 1/cot x, और कोट का अगर हम कन्वर्ट करें कोट के बजाय में साइन कोस में करना है तो क्या आ जाएगा? sin x/cos x। आपने सभी पढ़ रखे हैं। फिर हमारे पास ये तीन फॉर्मूले थे, cos² x + sin² x इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, sec² x - tan² x इज इक्वल टू 1, एंड cosec² x - cot² x ऑल्सो 1। तीनों हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूले जिनका हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अब उसके बाद आती है हमारे पास एक क्वाड्रेंट की टेबल। कैसे करते थे हम वो टेबल, देखो। ये हमारे पास होती है क्वाड्रेंट टेबल। इस क्वाड्रेंट टेबल में आपको क्या दिया होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ये चार आपको क्वाड्रेंट दिए होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में आएगा ऑल पॉजिटिव। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। ये दो पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। थर्ड में हमारे पास क्या होता है? टेन एंड कोट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। लास्ट में हमारे पास कौन कौन बचता है? कोस एंड सेक। ये पॉजिटिव और अदर नेगेटिव। ये तो हमारे पास है पॉजिटिव। इसके अलावा हमारे पास ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना होता है? 0 डिग्री। यहाँ पे मूव करके आता है, कितना आता है? 90। इसको हम क्या लिखते हैं? π/2। उसके बाद हमारे पास कितना आता है? 180। 180 को हम क्या लिखते हैं? π। उसके बाद हमारे पास कितना आता है? 270। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3π/2। और लास्ट में हमारे पास वापस मूव करके कहाँ आते हैं हमें? 2π। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक टेबल दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब देखते हैं हमें कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, उससे हम वैल्यू निकालना सीखते हैं कि कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम 0 से और 90 के बीच में जब तक रहेंगे, हमारे सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या रहेंगे? पॉजिटिव। फिर 90 से 180 के बीच में रहेंगे तो साइन और कोसेक पॉजिटिव आएगा, अदर क्या होंगे? नेगेटिव। 180 से 270, टेन कॉट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ में क्या आ जाएगा? कोसेक सेक पॉजिटिव और अदर नेगेटिव। फिर हमारे पास बात क्या आती है कि किस पे साइन चेंज होता है, किस पे नहीं होता। ये जो हमारे पास लाइन है 90 एंड 270, ये हमेशा कन्वर्ट करती है। 90 एंड 270, ये दोनों कन्वर्ट करती हैं। किसको किस में कन्वर्ट करती हैं? साइन एक्स, जब भी इनसे हम किसी को अटैच करेंगे तो साइन एक्स किस में चेंज हो जाएगा? कोस एक्स में। और कोस एक्स किस में चेंज होगा? साइन एक्स में। टेन किस में होगा? कोट एक्स में। और कोट एक्स किस में आ जाएगा? टेन एक्स में। कोसेक एक्स हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स में, और सेक किस में आ जाएगा? कोसेक एक्स में। ठीक है, ये हमारे पास जब भी हम किसी भी पॉइंट को 90 से कनेक्ट करेंगे या 270 से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा चेंज? कि साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, टेन कोट में चेंज होगा, कोट होगा तो टेन में हो जाएगा, कोसेक होगा तो सेक हो जाएगा, और सेक होगा तो कोसेक आ जाएगा। ये हमारे पास इसका चेंज। फिर हमारे पास आता है कि ये जो है, ये लाइन किस पे इफेक्ट डालती है? ये सिर्फ हमारे साइन पे इफेक्ट डालती है। किस पे? सिंबल या साइन। साइन कौन से होते हैं? जैसे प्लस एंड माइनस। किसके अंदर प्लस है या माइनस है? सिर्फ ये चेंज आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब इसको सीखो कैसे आएगा। साइन मान लिया 90 + a लिखा मैंने, 90 + a। 90 हमारे पास क्या है? π/2। ये है हमारे पास 90। 90 प्लस कर दिया, 90 के अंदर कुछ ऐड करेंगे किस क्वाड्रेंट में आएगा?
नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, क्योंकि 0 से 90 यहाँ है, लेकिन 90 से 180 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 90 में कुछ ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा, लेकिन साइन 90 से कनेक्ट हो गया तो किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉस ए में। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, हमारी जो 10th की एक्सरसाइज थी उसमें भी पढ़ा था, लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता था कि ये कैसे चेंज है। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे कॉस है, क्या बोल देंगे, कॉस 90 प्लस ए, अगर यहाँ कॉस है तो कॉस के अंदर जब 90 प्लस कर दिया तो किस में आ गए, सेकंड में। सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन और साथ में क्या आएगा आपके पास, ए। इसी तरह से 270 की टेबल पे करते हैं, अगर मान लिया हमारे पास क्या है वैल्यू 270 माइनस ए, साइन 270, जब 270 से कनेक्ट किया तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में चेंज हो गया, तो कॉस आ गया और ए। लेकिन जब साइन इसमें चेंज किया तो इसमें आया, इसमें सॉरी इसमें कॉस कैसा है, ना साइन पॉजिटिव ना कॉस पॉजिटिव, तो इसमें तो कैसा आना है, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये आता है कि हम इसको किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फिर हमारे पास थी ये 0, 90 और 180, 270, फिर हमारे पास आता है थर्ड, कि थर्ड हमारे पास जो ये है, ये लाइन जो है ये किस पे अप्लाई करते हैं, जैसे साइन 180 प्लस ए और साइन 180 माइनस ए, ये दो आए हमारे पास। 180 के अंदर हमने कुछ ऐड कर दिया, कुछ ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस से साइन ए, एज इट इज आएगा वही का वही, सिर्फ क्या होगा प्लस से माइनस। फिर 180 माइनस ए कर दिया, 180 में से कुछ कम करेंगे तो किस में आए, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा हमारे पास से साइन ए, ठीक है। इसी तरह से हम कोस की, कोस सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए आपकी एक टेबल है, वो टेबल मैं नेक्स्ट वीडियो में नोट करवा दूंगी आपको, ठीक है। ये थी हमारे पास साइन कोस की टेबल। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। देखो एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1-5। कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2, कोस एक्स क्या दे रखा है, माइनस 1/2, एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव है, ऑल पॉजिटिव आ गया, यहाँ कौन कौन आएगा, साइन और कोसेक आ जाएगा, यहाँ आएगा टेन और कोट, यहाँ आएगा कोस एंड सेक, ये हमारे पास पॉजिटिव है और इसके अलावा जो बचेंगे वो नेगेटिव, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में कौन है, टेन और कोट, तो पॉजिटिव लेने लेके आएंगे हम, और सभी क्या आएंगे, नेगेटिव। अब कोस भी नेगेटिव दे रखा है इन्होंने, तो क्या दे दिया, कोस एक्स माइनस 1/2, क्यों, क्योंकि एक्स किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में लाई करता है तो कोस नेगेटिव होगा। फिर देखो कोस को हमने चेंज कर दिया, अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है, कोस हमें दे रखा है, तो क्या क्या निकालना है, सेक कोसेक टेन कोट साइन, ये सभी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। कोस से हमने क्या निकाला, सेक, क्योंकि कोस का और सेक का रिलेशन था कि अगर हमारे पास कोस दे रखा है तो सेक क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सेक एक्स क्या होता है, 1/cosx इज इक्वल टू 1, हम क्या लिखेंगे 1, और कोस एक्स क्या है, -1/2, बाई में लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2, ये आ गई हमारे पास सेक की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास से सेक आ गया और कोस आ गया, अगर हमारे पास कोस है तो हम इस फॉर्मूले से साइन निकाल सकते हैं, कैसे, साइन स्केयर एक्स किसके इक्वल होगा, 1-cos² इज इक्वल टू 1-cos की वैल्यू हमारे पास क्या, -1/2, -1/2 का स्केयर करेंगे क्या आएगा, 1/4, फिर एलसीएम ले लेंगे, 4 1 4 4 में 7 जाएगा 3 3/4, स्केयर को इधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा, +-√3/2, साइन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास +-√3/2। फिर हम देखते हैं कि साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, तो हम प्लस वाले को छोड़ देंगे, कैसा लेंगे, सिर्फ नेगेटिव। उसके बाद कोसेक, कोसेक क्या होता है, कोसेक अगर हम देखते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin x, इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें क्या आएगा, -2/√3, फिर आएगा हमारे पास 10x,
टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन एक्स क्या है, माइनस रूट थ्री बाई टू, और कोस एक्स हमारे पास क्या था, माइनस वन बाई टू। टू से टू कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा रूट थ्री। और फिर हमें क्या रहता है, कोट एक्स। कोट एक्स क्या होता है, कोट एक्स टेन का रेसिप्रोकल। टेन एक्स रूट थ्री आया, कोट एक्स क्या आ जाएगा, वन बाई रूट थ्री। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे हम सेकंड, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, और कौन है, कोसेक। साइन और कोसेक को पॉजिटिव लेंगे, अदर नेगेटिव। साइन एक्स पॉजिटिव दे रखा है, कोसेक इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा फाइव बाई थ्री। फिर हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ से कोस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्केयर एक्स। वन माइनस साइन की वैल्यू क्या है, थ्री बाई फाइव, स्केयर कर देंगे नाइन बाई ट्वेंटी फाइव। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, ट्वेंटी फाइव वन जाए ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव में से नाइन माइनस कर देंगे सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव। अब हमारे पास स्केयर को इधर लेके आएंगे, रूट हो जाएगा, कोस एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस फोर बाई फाइव। ये प्लस माइनस फोर बाई फाइव है। अब हमारे पास एक्स कहाँ लाई करता था, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो कोस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सेक एक्स इज इक्वल टू वन बाई कोस एक्स। कोस एक्स क्या था, माइनस फोर बाई फाइव, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, माइनस फाइव बाई फोर। टेन एक्स को क्या कर देंगे, साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन एक्स क्या था, थ्री बाई फाइव, कोस एक्स माइनस फोर बाई फाइव। फाइव से फाइव कैंसिल, क्या आए, माइनस थ्री बाई फोर। नेक्स्ट है कोट एक्स। कोट एक्स किसके इक्वल होगा, वन बाई टेन एक्स के, इज इक्वल टू टेन माइनस थ्री बाई फोर था, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस फोर बाई थ्री आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ कोट एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और कोट एक्स कैसा दे रखा है, थ्री बाई फोर। अगर एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में कौन कौन है, पॉजिटिव टेन और कोट पॉजिटिव। कोट कितना दे रखा है, थ्री बाई फोर। कोट को रेसिप्रोकल कर देंगे, टेन आ जाएगा। टेन क्या आ जाएगा, वन बाई कोट। ये क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेक्स स्केयर एक्स माइनस टेन स्केयर एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ से हमें क्या दे रखा है, टेन दे रखा है, तो सेक निकालना, इसको उधर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन स्केयर किसके इक्वल है, सेक्स स्केयर के। सेक्स स्केयर एक्स इज इक्वल टू वन, टेन स्केयर इसका स्केयर करेंगे, फोर का स्केयर सिक्सटीन, थ्री का स्केयर नाइन। एलसीएम लेंगे, सिक्सटीन प्लस नाइन कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव बाई नाइन। स्केयर को इधर लेके आएंगे, सेक एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस फाइव बाई थ्री। अब हमारे पास एक्स कहाँ लाई करता था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन कोट, अदर क्या आएंगे, नेगेटिव। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए क्या आया, माइनस फाइव बाई थ्री। कोस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाई सेक एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू वन बाई सेक क्या है, माइनस फाइव बाई थ्री, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस थ्री बाई फाइव। टेन एक्स होता है साइन एक्स बाई कोस एक्स। टेन एक्स हमारे पास कितना दे रखा है, फोर बाई थ्री। साइन एक्स एज इट इज, कोस एक्स क्या दे रखा है, माइनस थ्री बाई फाइव। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू फोर बाई थ्री मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा वन बाई माइनस फाइव बाई थ्री, लेकिन इसको उल्टा करेंगे, क्या आएगा, फोर बाई थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री बाई फाइव। थ्री से थ्री कैंसिल, क्या आ जाएगा, फोर बाई फाइव माइनस का। और कोसेक क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वन बाई साइन क्या आ जाएगा, माइनस फाइव बाई फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, इफ सेक एक्स इज इक्वल टू थर्टीन बाई फाइव एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सेक हमारे पास क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं, सेक और कोस को पॉजिटिव कर लेंगे, अदर को नेगेटिव कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, साइन और कोसेक। तो टेन हमारा कैसा है, नेगेटिव। साइन कोसेक को पॉजिटिव करके अदर नेगेटिव। टेन एक्स दे रखा है, टेन का उल्टा कर देंगे, कोट आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व बाई फाइव आ जाएगा। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या, वन प्लस टेन स्केयर एक्स किसके इक्वल है, सेक स्केयर एक्स के इक्वल है। वन प्लस टेन की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस फाइव बाई ट्वेल्व का स्केयर इज इक्वल टू सेक स्केयर एक्स। अब आया हमारे पास सेक स्केयर एक्स एज इट इज़, वन प्लस
माइनस फाइव का स्क्वेयर 25, 12 का स्क्वेयर 144, प्लस करेंगे क्या आएगा 169/144। sec x इज इक्वल टू, इधर स्क्वेयर है इधर रूट करेंगे क्या आएगा 13/12 प्लस माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो sec कैसा होगा नेगेटिव, तो क्या आया sec x इज इक्वल टू माइनस 13/12। sec से हम क्या निकालेंगे cos, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है 1/sec, क्या आ जाएगा 1/-13/12, इसको लेके आएंगे -12/13। फिर tan x इज इक्वल टू क्या होता है sin x बाई cos x, tan x हमें दे रखा है और sin x एज इट इज, cos x की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको उधर लेके जाएंगे sin x इज इक्वल टू -5/12 मल्टीप्लाई -12/13, 12 से 12 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5/13। उसके बाद cosec x निकाल लेंगे, sin का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा 13/5। ठीक है, ये थे हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन 765। जब हमें ऐसी वैल्यू दी होगी तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको 360 से करके देखते हैं। देखो 360 से सब बड़ा है, 2 टाइम करेंगे 720, तो हमने 2 टाइम किया 720 प्लस 45, इसको हमने ब्रेक कर लिया साइन 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45, 2 पाई आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई, क्या आ जाएगा 4 पाई। लेकिन जब इसमें कुछ प्लस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं और जो हमारे पास ये वाली लाइन होती है किसी को चेंज ही नहीं करती, प्लस आ गया साइन और ये हमारे पास कितना 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो हमारे पास ये भी क्या होगी 1/√2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, cosec -1410 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट किया 4 मल्टीप्लाई 360, 360 और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1440 और माइनस कर देंगे कितना 410 कर देंगे, क्योंकि जब हमने इसको कनेक्ट किया है 2 पाई, 4 2 जा 8 पाई, 8 पाई से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो भी हमारे पास कैसा आएगा, 8 पाई से कनेक्ट किया उसमें से कुछ माइनस कर दिया फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गए वापस, फोर्थ में कैसा होता है नेगेटिव, इसीलिए ये हमारे पास कैसा था नेगेटिव, इसको हम पॉजिटिव कर रहे हैं। अब इसमें से माइनस कर दें कितना आएगा 30 आएगा, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। नेक्स्ट है 10 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3 को ब्रेक कर लिया, 10 19 को ब्रेक कर लिया 18 पाई प्लस पाई बाई 3, 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, इससे कैंसिल करेंगे 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 3 जा 6 मीन से 2 पाई से अगर हम देखते हैं तो 2 पाई से रिलेटेड है, 2 मल्टीप्लाई 3 इससे रिलेटेड है, तो इससे अगर हम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है रूट 3। नेक्स्ट है साइन -11 पाई बाई 3, नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव से देखते हैं हम क्या आएगा साइन 4π -11π/3, क्योंकि 4π में से माइनस कर दिया, माइनस कर दिया तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में आ गए तो हमारे पास कैसा आएगा नेगेटिव, इसीलिए क्या लिखा हमने साइन 4π -11π/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12 में से 11 जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा π/3 और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2। नेक्स्ट है कोट -15π/4, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, कोट माइनस है तो इसलिए वापस कर देंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आ गए फोर्थ में आ गए तो 10 कोट नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो कोस और सेक पॉजिटिव है, कोट 4π -15π/4, 4 4 जा 16, 16 में से 15 जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा π/4 और कोट π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से करना। ओके, थैंक यू।